नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा, आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। 22 से 29 दिसंबर के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और 26 से 29 दिसंबर 2021 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। अगर हम दूसरी खबर बताएं, 23 दिसंबर से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से शीतलहर की स्थिति का उन्मूलन होने जा रहा है। एक तरह से तीव्रता में कमी होने जा रही है। जैसा कि आप जीआईएस मैप, आज का न्यूनतम तापमान वाले इस जीआईएस मैप में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, मुख्य रूप से सारी ये जगह जो देख रहे हैं नीले रंगों से और गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है, इनमें जो तापमान है काफी कम तापमान है। एक तरह से शीतलहर और भीषण शीतलहर की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और इस तरह से बीच बीच में शीत दिन भी आपको इनके बीच में कुछ जगहों पे, कुछ मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही होगी आपको। तो इस मैप के जरिए अगर हम देखें, पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो शीत का प्रकोप है वो बदस्तूर जारी हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों की अगर हम बात करें, सो हम एक कह सकते हैं कि जो 23 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत से एक तरह से शीतलहर का एक तरह उन्मूलन होने जा रहा है या तीव्रता में कमी होने जा रही है। अगर हम 24-29 दिसंबर दौरान की बात अगर हम करें, जैसा कि हमने कहा पश्चिमी विक्षोभ का एक के बाद एक आना हो रहा है। 24 से 29 दिसंबर के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम छिटपुट और काफी व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है और बर्फबारी भी होने की संभावना है 24 से 29 दिसंबर के दौरान। और अगर हम 27 दिसंबर की बात करें तो कश्मीर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और में अलग अलग जगह पे बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना देखी जा रही है। अगर हम 26 से 29 दिसंबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात बताएं तो मैदानी इलाकों में, खासकर उत्तर पश्चिम भारत के आसपास की इस मैदानी के इलाकों में मध्यम से छिटपुट बिखरी हुई वर्षा की संभावना देखी जा रही है। अगर हम अगले 4 दिनों के दौरान अगर हम बात करेंगे कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री की सेल्सियस की वृद्धि होने जा रही है और ये इसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम बात करें, पूर्वी भारत में भी अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने जा रहा है। हालांकि इसके बाद 2 से 3 डिग्री की यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर हम अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम उत्तर भारत की बात करें, मुख्य रूप से उत्तराखंड और अगर हम उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अलग अलग इलाकों में बात करें, शीतलहर की स्थिति हालांकि अभी भी बनी हुई है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, बिहार, झारखंड में शीतलहर की स्थिति अभी भी हालांकि बनी हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान गंगी पश्चिम बंगाल और उसके बाद इसमें कमी देखने को मिल सकती है। अगर अगले 24 घंटों की बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा में अलग अलग जगहों में ठंड की स्थिति, ठंड के दिनों की स्थिति, जिसको हम कहते हैं शीत दिन, देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। अगर हम मुख्य रूप से अगर 23 से 26 दिसंबर के दौरान बात करें पंजाब, हरियाणा और 24 से 26 दिसंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग जगहों पे सुबह के वक्त गहरे कोहरे होने की संभावना देखी जा रही है। आइए संयुक्त परिस्थिति देखें। आज जैसा कि हमने बताया, एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का एक आगमन हो रहा है और जा रहा है। जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ आप देख रहे हैं और एक और क्लाउड के जमावड़ा एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आप सैटेलाइट की इनसेट 3DR की इमेज में आप देख सकते हैं। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश और उसके तटीय भागों में यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेल मार्क लो आप देखेंगे इस स्थिति पे यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से भी जो शीत का प्रकोप पर कहर है उसको देखते ये बताया जा रहा है कि WD के आने से अभी कुछ तापमान में, न्यूनतम तापमान में, जैसा कि हमने बताया, उसमें वृद्धि देखने को मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती है। आइए अब चलते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे की स्थिति में कहाँ कहाँ पे कोहरे दर्ज की गई है। तो हम बात करेंगे मॉडरेट फॉग, एक तरह से हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय में देखने को गया। और अगर हम शैलो फॉग की बात करें, ये आपको पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखने को मिला है। दृश्यता की अगर हम बात करें, अगर आज सुबह 8:30 बजे जो दर्ज की गई है, करनाल, सिलचर, फुर्सतगंज और नई दिल्ली सफदरजंग में 200 मीटर की दृश्यता देखी गई है। मतलब आपकी दृश्यता की जो दूरी है वो 200 मीटर तक सीमित है। अमृतसर, लुधियाना, बरेली, अजय की बात करें, आइजॉल और इम्फाल की, तो 500 मीटर की दृश्यता देखी गई है। अगर हम शीत लहर की बात करेंगे, आज एक तरह से शीत लहर से भीषण शीत लहर की कुछ जगहों पे
पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और कुछ जगहों पे, कुछ पॉकेट्स में बताएंगे हम, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगर हम केवल शीतलहर की बात करें, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना और गंगी पश्चिम बंगाल को आज देखने को मिला है। कल की अगर हम बात करें, कल कोल्ड डे कंडीशन, एक तो शीत दिन की जो कंडीशन, एक तरह से शीत दिन जहां देखा गया है वो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ जगह है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल। जैसा कि 5 दिन का पूर्वानुमान आप देख सकते हैं, भीषण शीतलहर का प्रकोप आप देख सकते हैं मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत, पूर्वी राज्य में आप देख सकते हैं साथ, और खासकर गुजरात राज्य में भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें एक तरह से भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ का आगमन हो रहा है। तो जैसा कि आप पूर्वानुमान में देख सकते हैं, अब ये मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ही आपको उच्च कम तीव्रता वाले देखने को मिल सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट में आप आके ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।